हेलो दोस्तों, मैं हूँ रज़िया। आप सभी का स्वागत है बेक विथ रज़िया पर। आज हम सीखेंगे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट और पानी का इस्तेमाल करके आप किस तरह से चॉकलेट सॉस बना सकते हो। इस सॉस का इस्तेमाल आप ना कि सिर्फ केक बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बल्कि आप केक के ऊपर एज ए टॉपिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसे किसी डेजर्ट में इस्तेमाल कर सकते हो, आप आइसक्रीम बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो, और किसी भी चीज़ पे जहाँ पे आपको चॉकलेट सॉस की ज़रूरत हो वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप ब्राउनी के ऊपर डाल सकते हो, आप चॉकलेट सॉस बना के जो हम बलून वाले टॉपर्स वाले जो केक खाते हैं आप उसके ऊपर डाल सकते हो। जिस जिस जगह पर चॉकलेट सॉस का यूज़ होता है आप वहाँ पर डाल सकते हो। आप केक को डिज़ाइन डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, कपकेक को डिज़ाइन डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस सॉस का बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होता है, मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है, और इसे बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो इंग्रेडिएंट लगते हैं, चॉकलेट और पानी। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में चॉकलेट सॉस कैसे बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ कप मेल्टेड चॉकलेट लिया है। चॉकलेट को मेल्ट किस तरह से किया जाता है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ कि डबल बॉयलर मेथड से किस तरह से मेल्ट किया जाता है, माइक्रोवेव में किस तरह से चॉकलेट मेल्ट किया जाता है। अगर आप बिगनर हो, आपको पता नहीं है कि चॉकलेट क्या होता है, कैसे मेल्ट किया जाता है, इसके ऊपर डिटेल में ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। इन सभी वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मिल जाएगा, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिंपली ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है और इसे एक स्लैब को पूरी तरह से इस तरह से मेल्ट कर लिया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी पानी। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना है, पानी जो यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ ये बिल्कुल गर्म पानी है, इसमें ठंडा पानी नहीं जाएगा, इसमें गर्म पानी डालना है और थोड़ा थोड़ा करके आपको इसे मिक्स करना है। अगर आप दोस्तों इसमें ठंडा पानी डालोगे तो ये सॉस नहीं बनेगा, ये एकदम जम जाएगा। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसे मिक्स करना है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी भी आपके ऊपर है, आप जितना थिक चाहो उस हिसाब से वैसा थिक सॉस बना के रेडी कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा थिक सॉस पसंद है तो पानी कम डालिएगा, और अगर आपको थोड़ा पतला सॉस चाहिए तो यहाँ पर आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा। तो ये आप देखिए, ये जो है थिक थोड़ा हुआ है, तो अब मैं इसमें और थोड़ा सा पानी डालूँगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से जितना थिक और जितना थिन सॉस बनाना चाहो आप बना सकते हो। तो ये आप देखिए, अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब ये सॉस की जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है। मैं कैसे आपको बता रही हूँ परफेक्ट, कि यहाँ पे आप देखिए चम्मच पे एक पतला सा इस तरह से कोट नज़र आ रहा है। तो मुझे इसी तरह का सॉस पसंद है जो मैं केक के ऊपर या किसी भी डेजर्ट के ऊपर डालती हूँ। आप चाहो तो इसे अपने हिसाब से पतला भी कर सकते हो। तो ये अब हमने इसे अच्छी तरह से डाल के मिक्स कर लिया है। अब हम दोस्तों एक गमला लेंगे और इसके ऊपर एक छन्नी रख के इसे एक छन्नी की मदद से छान लेंगे। इससे क्या होगा, सॉस बिल्कुल आपका स्मूथ बनेगा, और इस सॉस में अगर थोड़े बहुत लम्स रह गए होंगे तो वो भी निकल जाएंगे। तो ये आप देखिए, ये जो थोड़े बहुत लम्स रह गए हैं इसे भी आपको छान लेना है इस तरह से दबाते हुआ। अब ये जो पीछे है इसे भी हम इस तरह से कलेक्ट कर लेंगे। अब आप देखिए ये सॉस की कंसिस्टेंसी कितना ज़्यादा ये स्मूथ है, एकदम ये सिल्की है, और सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से बना है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। आने वाले बहुत सारी केक की रेसिपी पे आप देखोगे मैं इसी सॉस का इस्तेमाल करके बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी केक बनाने वाली हूँ। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस डालूँ आपके मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।